हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं जेब एडिटिंग चल। तो फाइनली दोस्तों, कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग सीखने के लिए एंड इस तरह से जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग करने के लिए इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं पिक्सआर्ट ऐप को कर लेंगे ओपन। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं पिक्सआर्ट ऐप को एप्लीकेशन को कर लूँगा ओपन। यहाँ से जो बैकग्राउंड है इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से इसका जो है क्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरह से। क्रॉप करने के बाद में यहाँ से कर देंगे डन। और डन करने के बाद में यहाँ से मैंने पहले से ही एक फ़ोटो को जिसको मैं एडिट करूँगा उसका बैकग्राउंड मैंने पहले से ही रिमूव करके रखा है। तो फाइनली दोस्तों, इस तरह से आपको फ़ोटो शूट कर लेना है। और यहाँ से कुछ इस तरह से इसको रोटेट कर लेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से कर देंगे डन। तो फाइनली दोस्तों, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कर देंगे इरेज वाले ऑप्शन पर जाके रिमूव। तो यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेंगे रिमूव। रिमूव करने के बाद में यहाँ से कर देंगे डन। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कर लिया रिमूव। करने के बाद में यहाँ से कर देंगे डन। तो इतना करने के बाद यहाँ से हम ऐड फोटो पे करेंगे क्लिक। यहाँ से कुछ पीएनजी उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं कर दूंगा डन। और डन करने के बाद में यहाँ से टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ से जो बॉडी का कलर है उसको हम ब्लू कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे डन। और यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से जो है इसको हम करेंगे अप्लाई। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं वीडियो कर दूंगा फास्ट, जैसे मेरा वीडियो लंबा ना हो। यहाँ से कुछ इस तरह से आप भी अपने बॉडी पे कलर अप्लाई कर सकते हो एंड इस तरह से फ़ोटो शूट करोगे तो इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, अब यहाँ से कुछ पीएनजी हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो जो पीएनजी मैं ऐड करूँगा उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कर देंगे रिमूव। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरह से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में यहाँ से हम कर देंगे डन। और डन करने के बाद में यहाँ से आ जाएंगे, फिर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाई प्रोसेस करना है आपको, फिर पीएनजी ऐड करनी है। तो कुछ इस तरह से आप अगर अपना फ़ोटो शूट करते हो तो इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं जो जल्दी जल्दी पीएनजी है उनको कर लूँगा ऐड। तो यहाँ से जो है इसको डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में यहाँ से हम कर देंगे डन। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से फिर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से और पीएनजी ऐड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं ऐड फोटो पर क्लिक करूँगा, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको भी ऐड कर देंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कर देंगे रिमूव। तो कुछ इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद में यहाँ से कर देंगे डन और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कर देंगे रिमूव। तो यहाँ से मैं डन कर देंगे और डन करने के बाद में कुछ इस तरह से जो मेरा फ़ोटो है वो दिखने लगेगा। तो जो पीएनजी मैं ऐड करूँगा उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से फिर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको ऐड करेंगे और जो दूसरी पग है उसको हम कुछ इस तरह से रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट इसका। और यहाँ से जो है इस वाली पीएनजी को कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो जो जो पगड़ी थी वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गई है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से अब कर देंगे डन। और डन करने के बाद में यहाँ से फिर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, इसको कुछ इस तरह से छोटा करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और यहाँ से जो मेरा फ़ोटो है वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से हम फिर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे, इसकी जन्माष्टमी टेक्स्ट पीएनजी इसको कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में यहाँ से हम कर देंगे डन। तो फाइनली दोस्तों, इस पिक को हम सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में और गैलरी में सेव करने के बाद में इस पिक को हम शेयर करेंगे लाइटरूम ऐप में, जिससे हम कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मेरी पिक हो गई लाइटरूम ऐप में ओपन। ओपन करने के बाद में यहाँ से हम लाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे, थोड़ा हाई लाइट को बढ़ा लेंगे और यहाँ से साइडों को थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से जो वाइट है इसको भी थोड़ा बढ़ा लेंगे, ब्लैक को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से कलर पे करेंगे। यहाँ से जो सेचुएशन है इसको हम कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे और यहाँ से विवरेंस को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से टिंट को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से मिक्स पे आएंगे और यहाँ से जो फर्स्ट वाला टूल है इसका सेचुएशन बढ़ा देंगे और सेकेंड वाला टूल है इसकी सेचुएशन डाउन कर देंगे, लुमिनस को बढ़ा देंगे और यहाँ से जो थर्ड वाला टूल है इसको हम सेचुएशन बढ़ा देंगे, लुमिनस को डाउन कर देंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से जो मेरा
बैकग्राउंड एंड जो बॉडी का कलर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो मेरी फोटो है वो एडिट होकर कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से बिगनेट पे क्लिक करें, इसको डाउन कर देंगे, फैदर को बढ़ा देंगे, तो कुछ इस तरह से शार्पन डाल दें, कुछ इस तरह से जो मेरी फोटो है वो एडिट होके एंड कलर ग्रेडिंग होके कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। तो अगर आपको मेरी एडिटिंग अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, प्लीज वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।